दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओवरहेड क्रेन की पैनल की वायरिंग कैसे की जाती है प्रॉपर ए टू जेड इस वीडियो में आज हम दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। सबसे पहले दोस्तों हम यहां बात करते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की रिक्वायर्ड होगी। तो आप यहां देख रहे हैं हमारे पास 6 कॉन्ट्रैक्टर है, 1 63 एम्पियर की MCB है। दोस्तों हमने कॉन्ट्रैक्टर मोटर के हिसाब से सिलेक्ट किया है, तो आप भी अपने मोटर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना। तो आप देख रहे हैं हमारे पास इतने सामान है। अब मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले इसकी पावर वायरिंग दिखाऊंगा, फिर दोस्तों कंट्रोल वायरिंग दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर स्किप करोगे तो आप आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे और उससे कोई फायदा होने वाले नहीं है। कनेक्शन करोगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको घुमाते हैं ताकि हमें इधर से कनेक्शन करने में आसान हो जाए। दोस्तों ये जो हमारे हैं, ये वाले हमारे दोस्तों इनपुट एरिया है और इस साइड हमारे आउटपुट एरिया है, जो कि आप कॉन्ट्रैक्टर पर लिखा हुआ नंबर और नाम से देख सकते हो। ये हमारे इनपुट एरिया है, ये हमारे आउटपुट एरिया है। हम दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर में दोस्तों जो पैनल के अंदर होता है ना, हमेशा 63 एम्पियर की MCB लगाएंगे और जहां से पावर लेके जाएंगे वहां पर दोस्तों 32 एम्पियर की MCB लगाएंगे। वो इसलिए 32 एम्पियर की MCB लगाएंगे दोस्तों ताकि कभी हमारे MCB मोटर में कोई फॉल्ट हो, MCB ट्रिप हो, तो हमारे नीचे वाले MCB ट्रिप हो, पैनल की MCB ना ट्रिप हो। नहीं तो पैनल के MCB ट्रिप होगा तो आपको बार बार क्रेन के ऊपर चढ़ने पड़ेंगे। जो ओवरहेड क्रेन होती है आप जानते ही हैं कितना गंदा होता है और कितना डस्ट होता है उसके ऊपर। तो इसीलिए आप नीचे में दोस्तों 32 एम्पियर के MCB लगाए और क्रेन के पैनल के अंदर 63 एम्पियर के MCB लगाए कि जो सबसे कम रेटिंग वाला हो वो नीचे रहेगा, तो आपको नीचे में ही ट्रिप करेगा दोस्तों। तो चलिए अब इसकी कनेक्शन करते हैं, पावर वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों हम सबसे पहले इसको इधर से घुमा लेंगे ताकि हमें इसकी कनेक्शन करने में आसानी हो। तो चलिए हम घुमा लेते हैं दोस्तों। अब फटाफट से इसमें तार को जोड़ते हैं, जो कि हमारा ये जो MCB है दोस्तों R R Y Y B B, इस प्रकार से हम सारे कॉन्ट्रैक्टर में लूप कर देंगे RYB। तो चलिए करते हैं और वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आपको कम से कम टाइम में समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं हमने किस प्रकार से इसकी तारें जोड़ी है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, हमने MCB से आउट करके यहां पर हमारे इनपुट लाइन होंगे MCB में, सारे में हमने RYB दे दिए, सारे कॉन्ट्रैक्टर में RYB लूप करके हमने दे दिए दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये हमारे इनपुट कनेक्शन हो गए, अभी आउटपुट, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि आउटपुट कनेक्शन है आप कैसे करेंगे इसके। दोस्तों हमारे पास तार नहीं था इसीलिए हमने इसमें कुछ अलग कलर के तार लगा दिए हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको करने हैं सब। आउटपुट कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे T1 है, ये भी T1 है, तो T1 से T1 को नहीं जोड़ना है दोस्तों। जैसे कि हमने T1 ले लिया और यहाँ पर T3 में जोड़ देंगे, तो ऐसे T1 में एक वायर को लेंगे और T3 में जाके जोड़ देंगे, वैसा ही T2 में एक वायर को लेंगे, T2 में जोड़ देंगे, और T3 में एक वायर को लेंगे, T1 में जोड़ देंगे। तो ये हमारे फेस उल्टे हो गए, तो इससे क्या होगा कि हमारा मोटर रिवर्स फॉरवर्ड चलेगा। बेसिकली दोस्तों ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है इसको मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड करने के ही काम आते हैं, और इसके कनेक्शन जो कंट्रोल वायरिंग होती है वो इंटरलॉकिंग कंट्रोल वायरिंग होती है। तो आइए अब इसके आउटपुट कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं दोस्तों।
दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने इसकी जो आउटपुट कनेक्शन है वो कर दी। जैसे कि दोस्तों हमने यहां T1 में जोड़ा है और यहां पर T3 में जोड़ा है, तो इससे क्या होगा कि हमारे फेस सीक्वेंस चेंज हो गया। दोस्तों यहां पर हमने T2 में जोड़ा है, यहां भी T2 में जोड़ा है, और यहां पर दोस्तों जो ये जो T3 से T1 में हमने जोड़ दिया है, तो इससे क्या होगा कि हमारे फेस सीक्वेंस चेंज होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर दूसरे फेस देंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे दूसरे फेस देंगे। तो इसके लेकर दोस्तों इधर से तो सीधा आया जाता है RYB, लेकिन इधर से दोस्तों हमें एक दो कॉन्ट्रैक्टर को एक दूसरे के साथ लूप कर दिया जाता है, और इसकी इंटरलॉकिंग कनेक्शन होती है। एक कॉन्ट्रैक्टर चलता है, एक कॉन्ट्रैक्टर बंद रहता है, एक बार में एक ही कॉन्ट्रैक्टर चलता है। अब बेसिकली क्या होगा कि आप अपने मोटर को कहां पर कनेक्ट करेंगे, तो या तो आप अपने मोटर को यहां जोड़ दीजिए और नहीं तो यहां जोड़ दीजिए। इनमें से कोई एक पॉइंट में आपको जोड़ देना है दोस्तों। जैसे कि यहां पर 6 कॉन्ट्रैक्टर लिए हैं हमने, तो दो कॉन्ट्रैक्टर हमारे अप या डाउन का होगा, और दो कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों नॉर्थ और साउथ का होगा, दो कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों हमारे ईस्ट और वेस्ट का होगा। तो आप इसी प्रकार से देख रहे हैं जो कि मैंने इसके पावर वायरिंग किया है दोस्तों। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल वायरिंग कैसे किए जाते हैं प्रॉपर सही तरीके से। दोस्तों इस वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंट्रोल वायरिंग रिमोट के साथ आपको करना दिखाऊंगा, और हो सके तो मोटर भी चलाकर आपको दोस्तों दिखाऊंगा। तो सो गाइस, आई होप कि हमारे वीडियो काफी पसंद आया होगा आपको, तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।